नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक्चुअल में क्लास एट के अंदर 1.1 है। 1.1 के अंदर ओनली टू क्वेश्चंस हैं, टू क्वेश्चंस करना है। ये बहुत ही इजी सेशन रहने वाला है। तो इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर मुझे करना क्या है, सिर्फ ये बताना है प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। क्या बताना है? विच प्रॉपर्टी यूज़। ये क्वेश्चन दिया है -4 अपॉन 5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू -4 अपॉन 5। आंसर क्या आया? -4 अपॉन 5। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, बस बताना है प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है। तो इसमें कभी भी किसी भी नंबर में आप 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। हमने बचपन से किया है, 2 1 2 या 3 1 3 या 1 2 2 1 या 1 2 दोनों का आंसर सेम आएगा, 2। जैसे कि 1 × 3 करेंगे तो भी। तो ये मल्टीप्लेटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी है। कौन सी है? मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी। ओके, चाहे आगे पीछे कीजिए, चाहे पीछे आगे कीजिए, मल्टीप्लेटिव यानी गुणात्मक संवृत। क्या है? गुणात्मक संवृत। तो एक का होना, बस इसका उत्तर ये है। फर्स्ट में हमको लिखना है ये गुणात्मक संवृत एक का होना है। किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मल्टीकेटिव आइडेंटिटी। ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड में ये देखिए, दोनों नंबर्स हैं, जस्ट आगे पीछे करके मल्टीप्लाई किया है। क्या किया है? 1 को छोड़ के, किसको छोड़ के, जैसे 2 × 3 कितना होगा? 6। 3 × 2 कितना होगा? 6। जैसे 4 × 2 कितना होगा? 8। या 2 × 4 कितना होगा? 8। चाहे 4 2 पढ़ो या 2 4 पढ़ो। तो यहाँ आप देखिए, दोनों नंबर्स हैं, जस्ट आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है। गुणन की क्रम विनियमता, जो गुणा हो रहा है उसमें सिर्फ क्रम बदल दिया है। क्या बदल दिया है? क्रम, आगे पीछे कर दिया है सिक्वेंस। ये सेकंड का आंसर है, गुणन की क्रम विनियमता, कम्यूटेटिव। तीसरा, इनवर्स करके किसी भी नंबर का, जैसे 2 है उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे 2 upon 1 है, इसका उल्टा कर दो 1 upon 2, तो आंसर क्या आएगा? 1 एक आएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उल्टा। तो कोई सा भी नंबर लीजिए, उस नंबर का जस्ट मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, जैसे 7 upon 5 है, उसका उल्टा कर दीजिए 5 upon 7, तो क्या आया? नंबर नंबर का जस्ट अपोजिट करने पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा। ये है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो फर्स्ट में सिर्फ 3 आंसर थे, सेकेंड में 1 है। इसमें भी ये बताना है ये क्या है, जो किस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, देखिए पहले ब्रैकेट पीछे लगा दिया, फिर ब्रैकेट कहाँ लगा दिया? आगे। ये सेम नंबर है, 3 डिजिट हैं, 1 2 3 1 2 3। जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं? रैशनल नंबर। कौन से? रैशनल नंबर। इसकी प्रॉपर्टी लग रही है, यानी परिमेय संख्याओं का। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसका सहचारिता का नियम लग रहा है। किसका नियम? सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। बस तो सेकंड वाले का ये है। तो कोई सा भी अगर आपको क्या दिख जाए रैशनल नंबर, उसमें आप कोई से भी पहले 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे पीछे वाले चाहे आगे वाले, फिर उसमें उसके आंसर का, तो सेम आंसर आएगा। क्या एग्जांपल से समझें? एक यस समझा देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करके। 2 × 5 upon 2 × 6 upon 5 ले लिया। पहले मैंने ये दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखना 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 5 का किया 6 upon 5 में, आंसर क्या आया? 6। ओके, यानी जो सहचारिता का नियम है, इसमें मैंने पहले ब्रैकेट लगा कर लिया। अब मैं पीछे वाले से करके बता रहा हूँ आपको, देखिए 5 upon 2 6 upon 5, पहले इसको करना है। ओके, 5 upon 2 × 6 upon 5 × 2 5 से 5 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6 नंबर क्या बचा? यहाँ 2 यहाँ 3, 2 × 3 कितना आया? 6। चेक करिए, यहाँ भी आंसर क्या आया था? 6, और यहाँ भी आंसर क्या बचा लास्ट में? 6। तो समझ में आया ये क्या है? परिमेय संख्या का, सहचारिता का नियम। तो बस 8 point, क्लास 8 हमने क्या किया है? क्लास 8 इसके अंदर 1.1। ओके, थैंक यू।